हाई लेवल मीटिंग हुई है, 14 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है, क्या इसमें हुआ है, क्या कुछ हुआ है आज बैठक में? देखिए उसकी जांच पुलिस कर रही है, अभी आपको पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी ब्रीफ कर दिया है। तो उसमें जो 14 मौत आई हैं उनमें से कुछ लोग तो उनके परिवार वालों ने कहा है कि कन्यापुरानपुर की बीमारी थी उससे उनकी डेथ हुई। कुछ लोगों के बारे में वहाँ जरूर ये बात आई कि उन्होंने शराब का सेवन किया था। तो दिक्कत इसमें ये आ रही है, काफ़ी लोगों ने जो भी उनका दाह संस्कार कर दिया है, पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, मात्र 4 लोगों का ही पोस्टमार्टम हुआ है। उनके बारे में तो कुछ हम कन्फर्म कह सकते हैं, बाकी के बारे में जाँच चल रही है। लेकिन ये बात भी आई कुछ लोगों ने शराब पी थी, तो इस पर जब पूरी जांच हो जाएगी और जो विसरा भी कुछ लोगों का प्रिजर्व किया गया उसके आने के बाद हम कुछ फिगर पक्का नहीं पाएंगे। 3 घंटा आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी करेंगे, और अभी इसमें छापामारी भी पिछले 2 दिन से लगातार कराई जा रही है और काफ़ी मात्रा में स्प्रिट और देसी शराब की बरामदगी हुई है। और जो मेन अभियुक्त है वहाँ का उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पिछले इस तरह की सप्लाई की है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इसको हम लोग गंभीरता से देख रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि आम जनता तक ये बात पहुँचाएं कि इस तरह की शराब का सेवन ना करें, जो भी हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, जो हमारा नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उसका पालन करें। थैंक यू। देखिए अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा, पटना से भी वरीय पदाधिकारियों की टीम आई है, जिसमें कि सेक्रेटरी हूँ और ADG लॉ एंड ऑर्डर, IG प्रोविजन और एक्साइज कमिश्नर सर आए थे, और कमिश्नर मैम और DIG सर भी यहाँ मौजूद थे, और यहाँ पर प्रभारी जो अभी के जिलाधिकारी हैं और मेरे साथ और एक्साइज सुपरिटेंडेंट के साथ विस्तृत समीक्षा की गई है पूरी परिस्थिति की। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य स्रोतों से भी हम लोगों को इस ज़िले में अभी जो संदिग्ध हालात में मौत की सूचना प्राप्त हुई उसमें कुल संख्या जो अभी हमारे पास आया है वो 14 है, जिसमें कि जो शराब से पीने से मौत की बात है उसमें 5 का अभी तक हम लोगों को संभावित है, लाइकली है कि वो 5 जो है शराब पीने से हुई होगी, हालांकि उसका अभी हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। 4 ऐसे लोग हुए जिनके परिजन और आसपास के लोगों से जांच करने के उपरांत वो सही नहीं पाए गए, और उनके परिजन भी इस विषय में पूरी तरह से इसको नकारे क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध थे या अन्य कारण से उनकी मृत्यु। उसके अलावा 2 ऐसे मामले हैं जिनके बारे में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या था, उसमें भी हम लोग उसमें अभी वेरीफाई कर रहे हैं। 3 उसमें मामले ऐसे हैं जिनके परिजनों से अभी हम लोगों को जो जिसका नाम प्राप्त हुआ है वहाँ अभी प्रशासन की टीम नहीं गई है, तो उसको हम लोग प्रिय पदाधिकारी को भेज करके वेरीफाई करवा रहे हैं। इस प्रकार से ये 14 जो लोगों के मामले हैं। 2 व्यक्ति के बारे में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है जो इलाजरत है, जो एक तो जो इलाजरत है वो वैशाली ज़िले में इलाजरत है, जो पलटन महतो करके है, और एक जो है अभी सदर अस्पताल में इलाजरत है, अंजय सिंह। तो कुल मिलाकर के 16 लोग इस मामले में हम लोग को आया है, जिसमें 14 संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु, जिसका मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि क्या संभावना है उस संबंध में, और 2 जो है वो इलाजरत है। ये दोनों अभी खतरे से बाहर है, और दोनों पर जो है पलटन मतो तो इस ज़िले से बाहर इलाज करा रहे हैं, लेकिन अंजय यहीं पर अभी सदर अस्पताल में तुरंत आया है कुछ देर पहले, तो उनको भी हम लोग डॉक्टर की टीम को इसमें सतर्क किया है कि उनका इलाज प्रॉपर तरीके से। सर मीटिंग में क्या इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई या कुछ और भी था? इन सब चीज़ों की समीक्षा हुई विस्तृत रूप से, एक एक जो व्यक्ति था उनके बारे में भी जानकारी ली गई और उस पर भी समीक्षा हुई, उनके कारण के बारे में भी हुई, और पूरे परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है उसको कैसे टैकल किया जाए और आगे इसको कैसे कंटेन किया जाए, किस प्रकार से जो अभियान चला करके बृहद पैमाने पर जागरूकता भी करना है कि अगर किसी के पास किसी भी प्रकार की चीज़ें उन्होंने इकट्ठा कर ली है कहीं से ले करके स्प्रिट या शराब, तो उसको सेवन नहीं करना है बल्कि उसको फेंक देना है अगर वो कहीं भी रखे हुए हैं। इस बात की जागरूकता का भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जहां से कंजम्पशन से कुछ लोग की मौत की सूचना प्राप्त हो रही है वो कुछ लोग और भी खरीद करके रख लिए हों, तो अभी सबसे पहले ये चीज़ है हम लोगों को। दूसरा है कि जहां भी जिस भी एरिया जो प्रभावित क्षेत्र है, विशेष रूप से अमनौर और मकेर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में बृहद पैमाने पर हम लोग एक ये भी कैंपेन चला रहे हैं कि अगर कोई अभी भी बीमार कहीं पर पड़ा हुआ है जो कि किसी
डॉक्टर से बातचीत करके या किसी प्रकार से छुप करके इलाज करा रहा है तो निकल के सामने आए ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। और तीसरा अप्रोच हम लोग का है कि कहीं भी अगर जो पूर्व से जहाँ जहाँ शराब की उपलब्धता की जाती होगी, जहाँ बेचा जाता था, वो सारे इलाके को सभी जगह सघन छापामारी करके उन सारे जगहों पर हम लोग कार्रवाई करें ताकि फर्दर इसमें कोई ऐसी बात ना आए। दूसरी तरफ जो है लोग कई तरह की भ्रामक चीज़ें भी फैलाते हैं, तो एक एक जो भी सूचना प्राप्त होती है उसको हम लोग इसमें ऐड करने से पहले उसको वेरीफाई कर लें और तभी इस चीज़ को करें ताकि जो है एक अलग तरह का माहौल जो है नहीं क्रिएट हो, जो सही तथ्य वो लोगों के सामने आए। पोस्टमार्टम कितने, मैंने आपको बताया था कि जो लाइकली डेथ्स मैंने बताया था कि जिसमें संभावित है कि 5, उसमें 4 का पोस्टमार्टम कराया गया है। हलचल थोड़ा सा नीचे। सूचना आज ही प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हम लोगों के पास नहीं है। हाँ, उसमें देखिए मढ़ौरा में 3 मौत की बात आई है, जिसमें कि हम लोग को भूलन मांझी है कोलुआ का, उसकी उम्र 80 वर्ष थी और दमा और मधुमेह का वो रोगी था। उसके परिजन के द्वारा भी ये और आसपास से भी कंफर्म हुआ, तो वो मौत इससे नहीं हुई। उसके अलावा 2 और है जो कर्णपुरा में है, जवाहर महतो और राजेश शर्मा, इनके परिजन ने पूर्व में इसके बारे में बताया था कि कोल्ड के कारण हुआ था और उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था, परंतु उसके बाद अभी परिजनों ने बताया है कि शराब के कारण इसकी मृत्यु होती है। इसको हम लोग अभी वेरीफाई करने में रखे हैं, इसमें फर्दर हम लोग को वेरिफिकेशन के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी।